वाइस हमारे साथ हमारे समाज के क्राइम एडवोकेट है और जाने माने अंबाला में इनका चलता है, रुतबा है क्या बोलेंगे, जैसे एसपी डीएसपी का होता है वैसे हमारे एडवोकेट का यहाँ पे रुतबा है। जी सर, क्या कुछ कहना है समाज के बारे में और आपका शुभ नाम बता दीजिए लोगों को। सबको जय श्री कृष्ण। मैं मानसिंह काकरान एडवोकेट अपने सैन समाज से हूँ। ये मेरे बड़े भाई साहब राजेश काकरान, सबसे बड़े भाई। हम लोग पांच भाई हैं और पांच में मिडल वन हूँ, दो मेरे से बड़े हैं, दो छोटे। इनके तीन ब्रांचेज हमारे हरियाणा ब्यूटी पार्लर की हैं और भाइयों के सहयोग से, समाज के सहयोग से मैं वकालत 26 साल से अंबाला में कर रहा हूँ। लोग समाज में कहते हैं कि शायद मैं किसी ना किसी ऊंची मकाम पर हूँ, अपने मुंह से कहना शोभनीय नहीं होता, लेकिन जितने भी टॉप के, जितने भी टाइम टॉप के क्रिमिनल केसेस होते हैं मेरे पास केसेस होते हैं और ये सब प्रभु की बड़ी कृपा है। जहां तक मैं यहाँ पहुंच पाया हूँ, मैं चाहता हूँ कि समाज का हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर लेडीज पढ़े लिखे और समाज में इसी प्रकार से संघर्ष करते हुए पहुंचे, अपने आप को हीन भावना में ना सोचे कि हम इस समाज के हैं, बल्कि खुश हो, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करें कि जितनी समझ, जितनी अकल हमारे सहन समाज में परमात्मा द्वारा दी गई चलाकी और चुस्ती की है, शायद और समाज में नहीं है। इसलिए ही हमारे समाज से लोग खार खाते हैं, जलते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं, सीख जाते हैं और समाज में बहुत जल्दी बगैर किसी के बताए, मात्र देखने से ही सीखने से समाज में इतनी तरक्की कर जाते हैं। और समाज का हमारा इतिहास देखिए, हम यदि नीचे गिरे हैं तो अपनी सोच से नीचे गिरे हैं, क्योंकि हम गिर के काम करते रहे हैं। जब हमारे समाज ने पढ़ना लिखना शुरू किया तो समाज में हर डिस्ट्रिक्ट में सब व्यक्तियों ने नाम कमाया। जहां तक मैं सोचता हूं और मैं जहां तक लोगों को जानता हूं, हमारे समाज ने बहुत तरक्की करी, लेकिन तरक्की के लिए पीछे संघर्ष है, संघर्ष के साथ में पढ़ाई है। तो सभी मेरे सैन समाज के सभी बच्चों से, वे बहनों से, बेटों से, सब मेरी गुजारिश यही है, पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं। जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे समाज में कुछ नहीं करेंगे। यदि आप पढ़ाई करके समाज में ऊंचा नाम करते हैं वो अलग है, यदि अपने समाज में अपना काम, अपने सैलून का भी काम करते हैं, उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई लग के। हमारा सैन समाज आज इस काम को हीन भावना समझ रहा है और ये काम को छोड़ रहा है, और दूसरी बिरादरियां, हर तरह की उच्च बिरादरियां इसको काम कर रही हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, ये काम सीख के फौरन जा रहे हैं। वो हमारे समाज के व्यक्ति उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि हमारा काम होते हुए दूसरे व्यक्ति ने उनको इंडस्ट्री बना दी, करोड़ों अरबों रुपए कमा लिया, वर्ल्ड में नाम कमा लिया, मेकअप आर्टिस्ट बन गए और हमारे यहाँ उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। क्यों? हम लोग इनको छोड़ते जा रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है, अब हमारा सैन समाज हेयर ड्रेसर या नाई का काम नहीं है, अब मेकअवर, हेयर ड्रेसर, पार्लर, ब्यूटिशियन, इतना कुछ काम है, इट्स ए बिग इंडस्ट्री। और आपको हैरानी होगी, या जो काम करते हैं उनको तो पता होगी, लेकिन औरों को मैं उत्साहित कर रहा हूं कि एक केवल हिंदुस्तान या वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा बिजनेस है ब्यूटी पार्लर का, जेंट्स का, लेडीज का, जिसमें 90% तक बचत है। तो बच्चों, यदि पढ़ सकते हो तो पढ़ के तरक्की करो, नौकरी पेशा में जाओ, अफसर बनो, नहीं आते तो सैन समाज में अपना जो हमारे पारिवारिक काम है उसको करें। 90% की बचत किसी व्यापार, किसी बिजनेस में नहीं है कि बगैर लगाए आपको 90% की सेल हो रही हो। तो इसके अंदर यदि काम करना है तो बेहतर से बेहतर काम करें और अच्छी तरक्की करें, समाज में नाम और शोहरत करें। हरे कृष्णा। आज इस मुकाम में आप लोग हैं तो आपके दादा परदादा, पिताजी ने यही काम करके स्टार्ट किया था, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? जी, हमारे, हम लोग सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, हमारी खेती बाड़ी हुआ करती थी, हमारे दादाजी ने काम शुरू किया था, वो अनपढ़ थे, हमारे पिताजी ने अंबाला में आके काम शुरू किया, वो अनपढ़ थे, हमारे माँ बाप अनपढ़ थे, लेकिन उनका मकसद था कि पढ़ा लिखा के सबको अफसर, डॉक्टर या जज या इस टाइप का बनाना। मेरे को एडवोकेट बना दिया। ब्रदर का इंटरेस्ट सारे भाइयों का बिजनेस की तरफ था, लेकिन उन्होंने कहा यदि बिजनेस करना है तो उस मकाम पे हो कि लोग देखें कि भी हरियाणा ब्यूटी पार्लर है। और आज कहते हैं कि हिंदुस्तान में हरियाणा ब्यूटी पार्लर का बहुत नाम है, तीन ब्रांचेस है, इतने इतने एम्प्लॉई, 100-100 बंदे काम कर रहे हैं, घर का सारा स्टाफ लगा हुआ है। तो ये संघर्ष करने के बाद है, बड़े संघर्ष करने के बाद यदि कोई मकाम आनंद आता है, बहुत आनंद आता है जब आप किसी संघर्ष को अचीव कर लेते हो।
अच्छा हरियाणा ब्यूटी पार्लर आपका जो सलून का नाम है वो शुरू से ही था दादा? वो राजेश जी, मिस्टर राजेश जी बताएंगे। देखिए सबको जय श्री कृष्णा, मैं राजेश काकरान। संघर्ष, जैसे भाई ने बताया कि संघर्ष तो बहुत जरूरी होता है, और हमारा समाज बहुत एक, जो हमने अपनी स्टोरी सुनी है, जो अपने बड़ों से सुना है और समाज की मीटिंग में सुना है, कि एक दौर बहुत बुरे दौर में रहे हैं हमारे समाज के लोग, क्योंकि उस वक्त जाति प्रथा और ऐसा कुछ सिस्टम होता था, तो लोगों को बड़ा दबाया गया, हमारे समाज को बहुत दबाया गया। उसके पीछे कई कारण हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करते, पर कुछ लोगों ने निकलकर इसके अंदर संघर्ष किया और इस मुकाम पे पहुंचे हैं सब लोग। बहुत लोग ऐसे हैं, अभी हम मीटिंग्स में मिलते हैं, कि हमारे लोग यही काम नहीं और इंडस्ट्री में भी गए हैं, बड़े बड़े बिजनेस सेटल किए हैं और अरबों खरबों प्रति लोग हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मीटिंग्स में मिला हूं और ऐसे ऐसे समाज के लोगों से मिला हूं कि अरबों खरबों, जिनके नीचे कई हजार लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री बड़ी बड़ी बनी हुई है, तो संघर्ष किया है। तो मेरी तो यही कामना है कि सब बच्चे, पेरेंट्स अपना ध्यान दें कि बच्चों को पढ़ाए। अब हमारी संघर्ष की कहानी भी अगर देखो तो हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा गांव से आए, और ये जो हरियाणा नाम लिखा जो अभी आपने पूछा, ये हरियाणा तो 65 में बना, पर हमारा हरियाणा नाम 1951 में रखा गया, जब हमारे दादा ने यहाँ पे आके बार्बर शॉप बनाई थी, तभी नाम हरियाणा रख दिया था। और हरियाणा भी इसीलिए रखा था कि हरि के आने की वजह से, क्योंकि उस वक्त हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र पड़ता है, तो भगवान कृष्ण यहाँ आए थे, तो जब भी हरि के आने की स्थान थी, अंबाला कुरुक्षेत्र के नजदीक है, तो हरि के आने से वो हरियाणा हरियाणा करते हुए, और बाद में ये हरियाणा नाम रखा गया, अप्रूव हुआ यहाँ स्टेट का। पर उसके बाद एक छोटे से कमरे में इस बार्बर सैलून को चलाया। उस वक्त जब लाइट नहीं होती थी, हाथ के पंखे जो कपड़े वाले छत पे टंगे होते थे, एक व्यक्ति ऊपर से हवा करता था, नीचे वो क्लाइंट की शेव करा करते थे। बाद में इसको बहुत इतनी परिवर्तन किया बुजुर्गों ने, उनकी सोच थी कि भी आगे बढ़ना है। वो गांव से आए थे, सिर्फ एक अटैची लेकर आए थे, लोहे का संदूक। उसके बाद उन्होंने संघर्ष, इतना संघर्ष किया, आज हम बच्चों के पास इतनी लग्जरी लाइफ थी उन्होंने। फिर आगे हमारे भाइयों का साथ मिला, हमारे डैडी ने हमारे, बहुत माइंड क्रिएटिव था उनका। फिर बच्चे, हमारे भाई सारे साथ, भतीजे सब मिले, तो अब इस मुकाम पर पहुंचे कि आपने सैलून हमारे, इन्होंने देखा ही है कि किस लेवल के सैलून बनाए। तो समाज के प्रति सबको एकजुट होना जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है आज के समय में। जब तक शिक्षित नहीं होंगे, आप अपनी कमियों को नहीं छुपा सकते। जय श्री कृष्णा। जैसे कि आपका नाम यहाँ पे काफी है, हरियाणा ब्यूटी सैलून का, तो आप फ्रेंचाइजी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, फ्रेंचाइजी के बारे में सबकी अपनी सोच है, कि कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं जिनको सिर्फ पैसा कमाना है, तो वो इस चीज को फ्रेंचाइजी के रूप में लेते हैं। पर मेरी अपनी सोच, हमारे बुजुर्गों की सोच यही थी कि अपने आप में राजा बनो, समाज के प्रति जरूर रहो। अब हमारी एकेडमी चल रही है, एकेडमी में स्टूडेंट्स दूसरे भी आते हैं, और समाज के बच्चे जो आते हैं, जो बेचारे असहाय हैं, कमजोर हैं, तो हमारी एकेडमी में उनको फ्री ऑफ फीस उनको हम सिखाते हैं। चाहे वो लड़कियों को, तो विशेष तौर से, क्योंकि हम लड़कियों को स्वावलंबी बनाना बहुत मिशन रखा है। हमारे बड़ों ने कहा था कि अपने हुनर को बेचना नहीं है, हुनर को बांटना है और सिखाना है, इसलिए बहुत इकोनॉमिकल फीस में हम लोग एकेडमी चाह रहे हैं। और जल्दी हम एक बहुत बड़ा स्कूल अपना, जो इस प्रोफेशन से है, वो अभी हम अगले एक साल तक हम एक लॉन्च करने वाले हैं, विद होस्टल फैसिलिटी, वो हम लॉन्च करने वाले हैं। जी आप जैसे स्कूल की बात कर रहे थे, उसके बारे में क्या बताइए? देखिए, मुझे 45 साल हो गए इस काम में, और तकरीबन 30 साल से हम एकेडमी चला रहे हैं, और 30 साल से कई हजार बच्चों को हम सिखा चुके हैं, स्वावलंबी बना चुके हैं। पर आगामी प्रोजेक्ट में हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, अभी जल्दी हमने जगह परचेज भी कर ली है, कि एक बहुत बड़ा अपना स्कूल और हॉस्टल बच्चों के लिए बनाया जाए,
और उसके ऊपर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कि हम वहां पे उनको बच्चों को ट्रेनिंग दे सके। अच्छा, इसमें एजुकेशन देने वाले कैसे रहेंगे, कहाँ के रहेंगे? एजुकेशन देने के लिए एजुकेशन देने के लिए देखिए हमारी अपनी मैन पावर बहुत ज्यादा है, बिकॉज हम लोग चार ब्रदर इसी लाइन में है। मेरी लेडीज जितनी भी, मेरी वाइफ, हमारी भाभियां पांचों, वो इस लाइन में है। मेरी डॉटर इन लॉ इस लाइन में है, मेरे बेटा इस लाइन में है, मेरे दोनों भतीजे इस लाइन में है, मेरी दूसरी डॉटर इन लॉ जो है वो भी इसी लाइन में। हम फैमिली के ही बहुत जने हैं, तो हम सब फैमिली ज्वाइंट अब ये एडवेंचर हम शुरू करने की प्लान कर रहे हैं कि सब मिलके एक स्कूल का निर्माण करें, ताकि यहाँ पे अच्छी और कम फीस में बच्चों को एजुकेशन दी जाए। अदर कास्ट के बच्चे और हमारे समाज के बच्चे आजकल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, जैसे लॉरियल हो गया, लैक्मे हो गया, हबीब हो गए हैं, जो लाख लोग कोर्स बांट रहे हैं, दे रहे हैं। तो आप इस इंडस्ट्री में कैसे एक बतौर स्कूल पे कैसे लॉन्च करने वाले, क्या लॉन्च करने वाले हैं? देखिए हमारा तो मैंने कहा ना, पहले भी कहा कि हमारा मकसद जो है बच्चों को बेहतर शिक्षित करना होता है, बेहतर ट्रेनिंग देना, हमारा मिशन यही है। मैंने पहले भी कहा कि हमने अपना हुनर को बेचना नहीं है, हुनर से कमाना नहीं है, हमने हुनर बांटना है। हमने शिष्य नहीं बनाने, हमने गुरु बनाने, ताकि ज्यादा से ज्यादा, और हम तो समाज के बच्चों को इनवाइट करते हैं कि कब कहीं भी हिंदुस्तान से कहीं से भी हो आप आए, और हम उनको जो औरों से फीस लेते हैं उनसे कंसेशन लेता हूँ, जो बेचारे असमर्थ है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रेनिंग देता हूँ। अपने समाज के लिए तो ये विशेष रियायत है, बाकी अदर कास्ट के तो बच्चे हमारे पास कर ही रहे हैं, बहुत कर रहे हैं बच्चे, और मेरे ख्याल से कई हजार बच्चे फॉरेन में सेट हो गए हैं जा जाके यहाँ से, हमारे इंस्टीट्यूट से निकल कर।